नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय मैं डम्बर बाबा के ऐतिहासिक पट्टी पर मौजूद हूं और आज ऐतिहासिक मेला यहां लग रहा है। आप देख सकते हैं सुबह सुबह का टाइम है, लोग अपने जो है पूजा पाठ में लगे हुए हैं, दुकानें जो है दोनों तरफ जो है लगी हुई हैं। यहां पीछे का दृश्य दिखा दीजिए, वहां पर कुछ टेंट वगैरह तंबू वगैरह दिखाई दे रहे हैं, वहां दुकानें लगी हुई हैं। और इस साइड जो है जो पश्चिम साइड है, पश्चिम साइड में भी दुकानें लगी हुई हैं। तो यह डम्बर बाबा का जो है ऐतिहासिक पट्टी जो है लगभग 92 बीघे में जो है फैली हुई है। और इस पट्टी के विषय में और इस बाबा के विषय में आइए, यहाँ पे कुछ मौजूद हैं, उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जी, अपना परिचय बताते हुए बताएं। मैं हरेराम यादव, सदस्य जिला पंचायत। ये पावन पवित्र भूमि डम्बर बाबा की जो पट्टी है, ऐतिहासिक पट्टी, जितना भी कहेंगे उतना उसके लिए कम है। डम्बर बाबा को सबसे पहले मैं बार बार प्रणाम और नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ इन महान विभूति डम्बर बाबा को। डम्बर बाबा ने 92 बीघा की पट्टी जो गौ रक्षा करते हुए गौ के लिए दान कर दिए कि पूरे सर्व समाज के जानवर गाय और भैंस इस पट्टी पे आएंगी और चरेंगी, और समाज सेवा के लिए 92 बीघा का योगदान, ऐतिहासिक योगदान डम्बर बाबा ने समाज के लिए छोड़ा। हमको लगता है कि सीहर विधानसभा नहीं, पूरे जिला में नहीं, पूरे प्रदेश में पहला कोई व्यक्ति रहा होगा जो डम्बर बाबा जैसा, कि जो इतना बड़ा योगदान समाज के लिए दिया गौ रक्षा में। 92 बीघा नहीं, 92 इंच देने के लिए आज के धरा पे कोई तैयार नहीं है। अब मैं बार बार प्रणाम करता हूं डम्बर बाबा को कि 92 बीघा ने दान कर दिया गौ रक्षा करते हुए। महान विभूति डम्बर बाबा को बार बार प्रणाम करते हुए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विधानसभा सीहर के तमाम क्षेत्र की जनता को कि डम्बर बाबा की पावन पवित्र भूमि पे सारे लोग अपना शीश नवाते हैं। बरहो महीना यहाँ रामायण कीर्तन पूजा पाठ चलता रहता है। जब हम लोग बेलथरा से चलते हैं तो लगता है कि जगमगा रही है, रोशनी मिल रही है इस पावन पवित्र भूमि पट्टी से। मैं महान आत्मा और डम्बर बाबा को बार बार नमन करते हुए पुनः मैं हरे राम यादव, सदस्य जिला पंचायत, आप लोगों को सबको बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। गौ रक्षा की बात तो जो सभी लोग करते हैं, लेकिन इतना बड़ा त्याग जो है शायद ही कोई कर पाएगा, चाहे पहले भी कोई किसी ने नहीं किया है, न इस युग में कोई करने वाला है। यहाँ पे जो है यहाँ के मौजूद जो है पंडित जी हैं, उनसे जो है जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, इस मेले के बारे में कुछ बताएं, इस पर उसमें। यह मेला सावन के अजरिए में लगता है और डम्बर बाबा मिश्रौली ग्राम सभा के निवासी हैं। हाँ, डम्बर बाबा निवासी हैं मिश्रौली ग्राम सभा। कितना पुराना जो है होगा आपके कुछ? अरे, हमारे बहुत से पहले से, हम लोग होश है जब से, उससे पहले से। आपके बाप पिताजी, बाप दादा जो पुरानिया लोग रहे होंगे, उन्होंने कुछ बताया होगा? हाँ, बताते हैं कि गौ रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया था, और 52 बीघे में जहाँ जहाँ मतलब खून ब्लड शायद वितरण हुआ, वहाँ बाबा के पट्टी को छोड़ा गया है। और हर साल सावन में मेला लगता है अयोध्या में। यहाँ देखा जा रहा है कि भूसा वगैरह जो है पड़ा हुआ है, कुछ भैंस कुछ गायें जो है भूसा जो है खाती हुई दिखाई दे रही है, इसका क्या महत्व है? इसलिए कि गाय की रक्षा करते हुए अपने प्राण को आहुति दी थी, इसलिए भूसा। और सावन के महीने में मेला लगता है, बतासा फूल बताते हैं, प्रसाद वितरण किया जाता है, बाबा को चढ़ाया जाता है, अगरबत्ती चढ़ावा के रूप में है, चढ़ावा के रूप में बाबा की पट्टी चढ़ाया जाता है। अभी जो पट्टी है कुछ इसमें इसमें जो है ये पट्टी जो है इसमें जितना पहले से है उतना ही है कि कुछ इसमें कमी है? इसमें कोई भी मतलब किसी का कोई कब्जा उजा नहीं है। जो कब्जा करने के लिए सोचता भी है तो उसकी हानि जरूर होती है, निश्चित है, एकदम पूर्ण रूप से ध्यान होता है उसका। कोई इसमें कब्जा नहीं कर सकता है, कोई बाबा की कृपा है, बाबा का ब्रह्म स्थान है ये, यहाँ कोई कब्जा नहीं करता है। ये 52 बीघे पट्टी के नाम पर छोड़ा गया है। आइए, जब बाबा का पूरा पूर्वांचल में नाम है, जब तक बाबा रहेंगे तब तक इनके नाम पर पड़ती रहेगी और यहाँ पर किसी का कोई कब्जा नहीं रहेगा। और कुछ इनके बारे में बताएं? और क्या है, मेला में हर सावन अपना जो मनाते हैं आप लोग पूरा करते हैं, आते हैं गाय भैंस है, जो मतलब जो दिक्कत होती है वो आते हैं, मन्नत करते हैं, कथा पूजा अर्चना होती है, कभी भी आगे कर सकते हैं, किसी टाइम आगे कर सकते हैं। सावन के महीने में तो फिर मेला ही लगता है यहाँ पे।
सावन के महीने में ये एक फिक्स समय है कि यहाँ जो है बृहस्पतिवार को, बृहस्पतिवार को मेला, अजूरिया के बृहस्पतिवार को मेला लगता है। वैसे भी लोगों का आना जाना लगा रहता होगा। हाँ, वैसे हर महीने किसी भी समय किसी भी पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में बाबा का मेला लगता है। हाँ, महत्व है काफी सावन के महीने में, अजूरिया में बृहस्पतिवार के दिन मेला लगता है। धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपको। नाम बता दें। मेरा नाम अंशु दुबे है, मेरा घर दुबोली बगल में है, बाबा की पट्टी के बगल में है। जी, तो ये अंशु दुबे जी थे, इनका घर भी जो है यही है, और इन्होंने जो बाबा के बारे में आपको विस्तार से बताया है, और जो यहाँ पे गौ रक्षा के लिए इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, और इनका जो है बांदे भी गए में जो प्रति स्थापित है यहाँ पे देख सकते हैं, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, और काफी जो है इनका महत्व है, और इनके यहाँ से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लोगों को जो है फायदा भी होता है। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ सतीर अहमद की रिपोर्ट, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल।